हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ राजस्थान में बीजेपी और रालोपा का गठबंधन। बेनीवाल नागौर से आरएलपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। जावड़ेकर ने कहा एनडीए का घटक होगा आरएलपी। और हनुमान बेनीवाल का भाजपा से गठबंधन हो गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने आज बेनीवाल के इस साथ प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान किया है। जावड़ेकर ने कहा कि अब आरएलपी एनडीए का घटक होगा और साथ ही बेनीवाल नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको भी सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे, तो बेनीवाल जी को इस योजना में वे हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब हमारे साथ है, हम मिलकर काम करेंगे और आरएलपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है और आज के हालात के अंदर पुलवामा के बाद देश का प्रदेश का हर नौजवान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ो, अगर आपको गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। मैं जावड़ेकर साहब ने जैसा बताया आरएलपी राजस्थान की आरएलपी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक नागौर की सीट छोड़ी है। आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर 25-0 का रिजल्ट आएगा। 25 में भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन आरएलपी का होगा 25 में ये जीतेंगे। कांग्रेस का चोपड़ा साहब यहाँ भी करेंगे, हरियाणा में 10-0 और दिल्ली 7 और यूपी के अंदर भी नया करिश्मा होगा। लाखों आरएलपी कार्यकर्ता आज से ही नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुड़ जाएंगे। राष्ट्रहित के अंदर हमने निर्णय लिया। और राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें हनुमान बेनीवाल का भाजपा से गठबंधन हो गया है। जावड़ेकर और मदनलाल सैनी ने आज बेनीवाल के साथ प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान किया है। जावड़ेकर ने कहा कि अब आरएलपी एनडीए का घटक होगा और बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का आप सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया है, अब मैं अपनी मूल भाजपा पार्टी में वापस आ गया हूं। एनडीए का घटक दल बनने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद लगातार युवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण देश हित में मैंने फैसला लिया और हमला केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा दिल्ली में भी रालोप के सभी कार्यकर्ता मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री की मुहिम में जुड़ जाएंगे। हालांकि भाजपा के कई नेताओं से मतभेद को लेकर जब हनुमान बेनीवाल से सवाल किया गया तो ये गठबंधन उन्होंने कहा कि ये गठबंधन राष्ट्र में है। गठबंधन हुआ है आरएलपी भारतीय जनता पार्टी 25 राजस्थान के अंदर, हरियाणा 10 और दिल्ली एमपी पंजाब जहां जहां हमारा यूथ हमें फॉलो करता है, जहां जहां प्रयास पूरे पूरे चारों राज्यों के अंदर प्रचार करेंगे और हम नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री।